A policeman moving on a highway with a speed of 30 km per hour fires a bullet at a thief's car. Speeding away in the same direction with the speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hits the thief's car? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक पुलिस वैन है, ठीक है, जिस पुलिस वैन की जो स्पीड है वो क्या है बच्चों, वो है 30 किलोमीटर पर आर। ये किसकी स्पीड है? पुलिस वैन की। तो पुलिस वैन की स्पीड कितनी है? वीपी। अच्छा, और एक थीप्स कार है, थीप्स कार, और थीप्स कार की स्पीड हमको दिया है वीटी। वीटी का मतलब 192 किलोमीटर पर आर यहां दे दिया। गजब, पुलिस वाले चल रहे हैं 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, और जो थीप है, वो चोर है, वो कितनी स्पीड चल रहे हैं? वो चल रहे हैं 192 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी हो गई है। अब बच्चों कह रहे हैं कि जो पुलिस वैन है, यहां से कोई बुलेट फायर की जाती है। अब बुलेट की जो मजल स्पीड है, मजल स्पीड मतलब समझते हो, जो बंदूक के आगे का पोर्शन होता है जहां से बुलेट फायर होती है, बाहर निकलती है, वो वाली स्पीड, बाहर निकलते समय जस्ट स्पीड वो बताई जा रही है, मजल स्पीड वो दिया है 150 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे कहा जा रहा है कितनी स्पीड में ये बुलेट थीप्स कार से टकराएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बुलेट फायर करेंगे पुलिस वैन से, ठीक है, तो उस बुलेट में पुलिस वैन की स्पीड भी तो शामिल हो जाएगी। ऐसे सोचो, आप किसी कार में खड़े हो, वहां से आप स्टोन थ्रो करो 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, वो चला जाएगा। लेकिन जब आप किसी उस कार में खड़े हो जाओ, मतलब सब उसका रूफ हटा हो और आप खड़े हो और कार जा रही 100 की स्पीड में, अब आप 10 से स्पीड स्टोन थ्रो करो तो क्या होगा? जो बाहर रोड पे खड़ा आदमी है उसको लगेगा कि इस आदमी ने जो स्टोन थ्रो किया उसकी स्पीड कितनी है, 110। वो कार की 100 भी जोड़ देगा और आपने जो 10 मीटर पर सेकेंड दी वो भी उसमें ऐड कर देगा। कहने का सेंस ये है कि जब बुलेट फायर होगी तो बुलेट की अपनी स्पीड है, ये मजल स्पीड दिया है जो उसके बाहर निकलते समय फायर करते समय स्पीड है, उसमें पुलिस वैन की स्पीड भी शामिल हो जाएगी। यानी कि जो नेट स्पीड बुलेट की बनेगी, इफेक्टिव स्पीड बनेगी, वो क्या बनेगी? बुलेट की स्पीड प्लस पुलिस वैन की स्पीड। तो ये चीज पहले हम लोगों को यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि बुलेट की रियल में स्पीड कितनी बनेगी। तो पहले तो बच्चों हमारा काम यह है कि हम किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें। जिसे 192 किलोमीटर पर आर दिया है थीफ कार की स्पीड, तो इसको हम चेंज करेंगे 192 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 3 जा और 6 2, यानी क्या आएगा, ये 160/3 मीटर पर सेकेंड। अगर आप पुलिस वैन की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 13/5/18, 6 डिवाइड करेंगे 3 टाइम, या 6 डिवाइड करेंगे 5 टाइम, मतलब 25/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे बुलेट की रियल स्पीड, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट, इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट, यानी कि VBG मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रियल स्पीड बनेगी बच्चों। ये कितनी होगी सोचो, तो बुलेट की अपनी स्पीड जब फायर करते समय उसकी जो भी स्पीड है, प्लस पुलिस वैन की स्पीड, क्योंकि पुलिस वैन से वो सेम डायरेक्शन में फायर की जा रही है, तो प्लस वीपी पुलिस वैन की स्पीड। तो वीबीजी कितना आएगा बच्चों, वीबी बुलेट की स्पीड कितनी है, 150 प्लस वीपी वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन, ये कितनी है, 25/3।
तो वी बी जी आ जाएगा यहाँ पे 475/3। देखो एलसीएम लेंगे 450+25 यानी कि 475/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रियल स्पीड ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये बुलेट की रियल स्पीड होगी, इस स्पीड से वो थीप्स कार की तरफ आएगी। अब बेटा बुलेट की जो रियल स्पीड है यहां पर क्या हो गई, वो हो गई वी बी जी। अब ये इससे टकराएगी तो सेम डायरेक्शन में दोनों का मोशन है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका रिलेटिव स्पीड ले लेंगे। अब लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीप्स कार, क्योंकि हमसे ही कहा गया ना कि किस वेलोसिटी से ये बुलेट थीप्स कार से टकराएगी। तो बुलेट की हवा में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड हमेशा रेस्ट में रहता है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने निकाल दी 475/3। अब इसकी जो है कार के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी, बुलेट की जो कार के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी से तो ये कार में टकराएगी। तो ये थीप्स कार में किस स्पीड से टकराएगी, तो वो होगी वीबीटी। वीबीटी बराबर क्या आएगा, वीबी माइनस वीटी लिखना चाहिए था, लेकिन यहां पर लिखेंगे वीबीजी माइनस वीटी। क्यों, क्योंकि रियल बुलेट की स्पीड तो वो है जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाली गई। फायर करते समय जो स्पीड थी बुलेट की, उसमें पुलिस वैन की स्पीड जुड़ गई ना, तब रियल वाली स्पीड बनी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो वी बी टी कितना आ जाएगा बच्चों, इसी वेलोसिटी से, वी बी टी वेलोसिटी से ही वो बुलेट थीप्स कार में टकराएगी, ध्यान रखना। तो आ जाएगा बच्चों वी बी जी, वी बी जी कितना है 475/3 माइनस वी टी। थीप कार की स्पीड कितनी है बेटा, ये दिया है हमको 160/3। सॉल्व करेंगे तो वी बी टी कितना आएगा, एलसीएम ले लेंगे, देखो 3 एलसीएम यहाँ बचेगा 475/-160। जब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, ये वी बी टी इज इक्वल टू ये बचेगा 315/3 या वी बी टी इज इक्वल टू 105 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी ऑफ बुलेट व्हेन इट स्ट्राइक्स टू थीप्स कार इज 105 मीटर पर सेकेंड। तो 105 मीटर पर सेकेंड से वो बुलेट थीप्स कार में टकरा जाएगी, उसमें स्ट्राइक कर जाएगी। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।